तो पिछले 15 दिनों में एक कंटिन्यूड ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री दिख रही है। जरूरी है कि यहां पर कंटेनमेंट एफर्ट्स और एक अधिक हम उस पर पर्याप्त मात्रा में करें ताकि हम केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड को रोक सकें। एक पॉजिटिव और न्यूज भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। हमने एनालाइज किया तो पाया कि कुछ ऐसे जिले हैं देश में जहां पर कि एक स्थाई पर टेस्टिंग बढ़ाई गई लेकिन साथ ही वहां पर पॉजिटिविटी में भी डिक्रीज नोट किया गया। तो जैसे उन जिलों की संख्या 15 से 21 अप्रैल के समय में 73 जिले ऐसे थे जो बढ़कर 22 से 28 अप्रैल में 125 जिले हुए, और 29 अप्रैल से 5 मई के अगर उस पीरियड को एनालाइज करें तो हम देख रहे हैं कि ऐसे जिलों की संख्या भी बढ़ रही है, विच इज ए पॉजिटिव ट्रेंड एंड दिस नीड्स टू बी कंटिन्यूड। हमारे देश में जैसे कि हमने इससे पहले भी चर्चा की है कि 10% से पॉजिटिव जिन राज्यों में जिन जिलों में हमने देखी है वहां पर स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स लिए जाएं, तो ऐसे जिलों को भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे जिसको हम अपनी वेबसाइट पर भी डे टू डे बेसिस पर हाईलाइट करते हैं, जहां पर कि हम स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ मिलकर एफर्ट्स कर रहे हैं कि वहां पर इन्फेक्शन का स्प्रेड कम किया जा सके। ऐसे 533 जिले भी हैं देश में जिस पर जरूरत है कि स्ट्रिंजेंट एक्शन उसी स्थाई से चलते रहें। एक पॉजिटिव न्यूज और हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। अगर हम देखें कि डे ऑन डे जो देश में केस की पॉजिटिविटी नोट की जा रही है तो 27 अप्रैल के बाद हम ये पाते हैं कि 27 अप्रैल पर देश में जो केस पॉजिटिविटी थी 19% थी ओवरऑल देश की, जो कि आज अगर पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो पाते हैं वह 18%, यानी कि करीब 14 दिन बाद हमने एक ओवरऑल ट्रेंड इन डिक्रीज इन पॉजिटिविटी अक्रॉस द कंट्री नोट किया है। इसी के साथ ही हमने एक और एनालिसिस करी है तो पाई है बिकॉज ऑफ द कंटिन्यू एफर्ट्स बाय द स्टेट 11 स्टेट ऐसी हैं जहां पर वीक ऑन वीक पॉजिटिविटी में भी रिडक्शन नोट किया गया है। लेकिन हम आप सबसे फिर से यह रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जब हम कभी भी एक इन्फेक्शियस डिजीज से डील करते हैं तो हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूड बेसिस पर लगे रहें। हम एक दिन भी कहीं भी ढिलाई बरतेंगे तो इन्फेक्शन फैलने का खतरा बना रहता है, जिसलिए जरूरी है कि एफर्ट्स में कोई भी कमोबेशी ना हो। इसी के साथ ही वैक्सीन के बारे में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि करीब 17.01 करोड़ डोजेज देश में वैक्सीन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फ्री सप्लाईज के रूप में स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं जो कि लोगों को मिल चुकी हैं। इसी के साथ ही हमने स्टेट्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए 18 से 44 साल के जो लोग हैं जिनको कि स्टेट डायरेक्ट परचेज के थ्रू या प्राइवेट सेक्टर डायरेक्ट परचेज के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है उसको भी फैसिलिटेट करते हुए हम देखते हैं कि करीब 25.59 लाख डोजेज उस एज ग्रुप को भी दी जा चुकी हैं। हम एक और इस विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो पाते हैं कि आज रन अवे स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो कि कुछ प्रांतों में नोट किया गया, उसके लिए जरूरी है कि स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट एक्टिविटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम की गाइडलाइंस के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टेट्स को प्रोवाइड की गई हैं उस पर हमारा कार्य चलता रहे। एक केस एनालिसिस के रूप में देखें तो पाते हैं कि कैसे स्ट्रिंजेंट कंटेनमेंट मेजर्स हमें इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम करने में सहायक हो सकते हैं। पुणे के बारे में अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे कि करीब 69.7% केस पॉजिटिविटी 1 मार्च वाले वीक में जब वहां नोट की गई तो उस टाइम पर नाइट कर्फ्यू जैसे कुछ जो कर्बिंग मेजर्स हैं वो इंप्लीमेंट किए गए, लेकिन साथ ही नाइट कर्फ्यू के बाद जब 15 दिन का एक रिलेटिवली मोर स्ट्रिंजेंट प्रोसेस इनिशिएट किया गया जो कि 29 मार्च से 12 अप्रैल तक में, तो एक स्थाई पर केसेस में ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में हमने देखा कि कमी आई, और उसके साथ ही आप देखेंगे कि कंटिन्यूड मेजर्स इन टर्म्स ऑफ जो ये हमारा जो लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर जो वहां पर इनिशिएट किए गए जो वो फर्दर 15 दिन के लिए बढ़ाए गए तो दो स्थाई पर हमें वहां पर बेनिफिट दिखाई देते हैं। एक हम देखते हैं कि इस लॉकडाउन के इनिशिएट करने से पहले जब केस पॉजिटिविटी 41.8% थी वह घटकर अब 23.4% रह गई है, और उसी के साथ ही जो एक पीक हमने बीच में हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी नोट की थी अब उन केसेस में भी कमी आ रही है। हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि नाइट कर्फ्यू कपल्ड विद रेस्ट्रिक्शंस ऑन मास गैदरिंग्स ऑन अवॉइडिंग इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल ऑन एंश्योरिंग दैट नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज फॉर ए लिमिटेड पीरियड कैन बी सॉर्ट ऑफ डिलेड फॉर ए पीरियड ऑफ 14 to 15 days विच इज वॉट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एपिडेमियोलॉजिकल एंगल इज क्रिटिकल टू एंश्योर कि हम इन्फेक्शन स्प्रेड को कम कर सकें। इसी के साथ ही
एक और केस एनालिसिस हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। जैसे कि मुंबई के बारे में, मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर कॉरपोरेशंस और स्टेट गवर्नमेंट के जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए, वह इनिशिएटिव ने कैसे वहाँ के प्रोसेस को, हॉस्पिटल एडमिशन को एड किया, वह हम आप लोगों को बताना चाहेंगे।